हेलो भाई, मैं हूँ सक्षम। तो आज भाई हम जो आप लोगों के लिए गाड़ी लाए हैं वो रहेगी भाई अपनी मारुति सुजुकी की ब्रेजा। अब भाई ब्रेजा में ये नया वाला वेरिएंट है तो 2022 में आया था। बात कर लेते हैं अगर भाई स्पेसिफिकली वेरिएंट की, तो भाई ये अपना मिल जाता है, लाइटें देखो और समझने की कोशिश करो भाई, ZXi+ AMT वाला भाई ये वेरिएंट है। अब भाई इसमें ना ZXi+ बिल्कुल टॉप एंड ये वेरिएंट है। ZXi+ में यार एक ड्यूअल टोन आता है, लेकिन यार भाई ने वाला नहीं लिया, जो हमारे इसके भाई हैं उन्होंने यार ड्यूअल टोन वाला लिया नहीं। उसका रीज़न, वाइट कलर में ना ड्यूअल टोन आता नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट कंपनी वाइट में नहीं देती, रेड में दे देती है और बाकी कलर्स में देती है। जो DT जिसको ये बोलते हैं AMT DT ड्यूअल टोन, उसमें भाई वाइट कलर आता नहीं है, इसलिए भाई इन्होंने ड्यूअल टोन वाली नहीं ली, वरना इनका पूरा प्लान था कि ड्यूअल टोन ही लेनी है। तो ये जो आपको रूफ दिख रही है ना भाई, आफ्टर मार्केट इन्होंने ब्लैक टेपिंग करवाई हुई है। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे भाई, शुरू करते हैं वीडियो के साथ और देखते हैं अगर फ्रंट लुक्स तो भाई ऐसी कुछ मिल जाता, काफ़ी बोल्ड लुक यार अपने को इसकी देखने को मिल जाती है। शुरू करते हैं यार अगर हेडलाइट से, तो ऐसी कुछ हेडलाइट यूनिट हमें देखने को मिलती है। हाई बीम और लो बीम के लिए अपने को अलग अलग यूनिट मिलती है। प्रोजेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं LED के साथ, और भाई DRL कुछ ऐसे लगते हैं। अभी यार वो कैमरा की वजह से ना फ्लिकर कर रही है, लेकिन भाई असली में ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट जल रहे हैं वाइट कलर के, और काफ़ी अच्छे ये लग रहे हैं। आ जाते हैं भाई नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है इसकी फॉग लैम्प, ये भी भाई अपने को LED में ही मिलती है। वापस से चलते हैं फ्रंट की तरफ। भाई मैं बार बार फ्रंट में आ रहा हूँ क्योंकि भाई इतनी बोल्ड लुक है ना यार इसकी, बार बार देख के मज़ा आ रहा है। पुरानी वाली ब्रेजा भी भाई बहुत चली है इंडियन मार्केट में, बहुत सक्सेसफुल वो गाड़ी रही है, लेकिन भाई ये वाली उससे भी ज़्यादा मज़ेदार अपने को देखने को मिल जाती है। इस तरीके की यार इसकी कुछ ग्रिल मिलती है, पियानो ब्लैक फिनिश की सॉर्ट ऑफ इस पे भाई फिनिशिंग करी गई है। इधर देखते हैं तो हमें ये क्रोम देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं भाई नीचे की तरफ, तो स्किड प्लेट हमें सिल्वर कलर की मिलती है, और अगर यहाँ पे देखें तो भाई कैमरा है, अब भाई टॉप एंड वेरिएंट है, 360 डिग्री कैमरा इसमें हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे भी हमें नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिलती है, और यहाँ पे देख लेते हैं तो क्लियरली अपने को भाई इसका विजिबल है रेडिएटर। आ जाते हैं भाई साइड में, साइड प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो भाई ऐसी कुछ ये लगती है। आ जाते हैं अगर भाई अलॉयज की तरफ, तो डायमंड कट अपने को इसमें अलॉय व्हील देखने को मिल जाती है। इस तरीके का भाई कोई डिज़ाइन है। प्रोफाइल अगर देख लेते तो भाई 215/60/16 यानी कि भाई 16 इंच की हमें इसमें अलॉयज देखने को मिल जाती है। चलते हैं भाई साइड की तरफ, तो देखो भाई कितनी मज़ेदार साइड से ये लगती है। आ जाते हैं भाई इधर, तो कोई भी फेंडर पे इंडिकेटर वगैरह नहीं दिया गया है, ORVM पे ही दिया गया है। पियानो ब्लैक भाई इसका ORVM मिलता है, इंडिकेटर अपने को यहीं मिलता है। और यार इसका डिज़ाइन ना इस बारी भी मारुति ने चेंज नहीं करा है, मतलब 2012 में जो स्विफ्ट आ रही थी या डिज़ायर आ रही थी, अर्टिगा जो अभी तक चली आ रही थी, वही वाला सेम ORVM का डिज़ाइन इसमें भी कंटिन्यू किया गया है। आ जाते हैं भाई यहाँ पे हैंडल की तरफ, तो कोई भी क्रोम वगैरह नहीं मिलता है, वाइट कलर का मिलता है, रिक्वेस्ट सेंसर ही हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि भाई टॉप वेरिएंट है तो कोई भी चाबी वगैरह का इसमें सिस्टम नहीं है। अपने को रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, पुश बटन स्टार्ट मिलता है। अब भाई अगर बात कर लिए चाबी की, तो चाबी भी देख लेते हैं, ऐसी कुछ यार इसकी चाबी मिल जाती है, सुजुकी का लोगो मिलता है पियानो फिनिश के साथ। इधर देखते हैं तो भाई लॉक एंड लॉक का बटन, कोई भी फॉलो मी हेडलैम्प या बूट ओपनिंग फीचर नहीं आता है, लेकिन भाई ये चाबी वही है स्टैंडर्ड जो कि मारुति की सभी कार्स में आती है, तो इससे हम कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते। आ जाते हैं भाई आगे की तरफ, तो ऐसा कुछ भाई यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे भाई क्वार्टर ग्लास पैनल है, भाई ने यार थोड़ा सा ना ब्लैक करा रखा है, यार ये चीज़ें रेकमेंड नहीं करते, लेकिन भाई लुक इन्हांस कर देता है। देखो वाइट गाड़ी पे जब ब्लैक शीशे होते हैं ना, तो खुद देखो लुक तो इन्हांस हो जाती है। रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन हाँ भाई शौकिया तौर पर अगर आप लगा लेते हो थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद हटा देते हो, तो यार ठीक है थोड़ा बहुत इतना चल जाता है। आ जाते हैं भाई यहाँ पे, तो अच्छे खासे बड़े हमें विंडो के पैनल देखने को मिल जाते हैं। जैसा मैंने बोला भाई ऊपर की जो अपनी रूफ थी वो वाइट थी, भाई ने यार आफ्टर मार्केट इसमें टेपिंग करा के इसको ब्लैक कराया है। और एक चीज़ और भाई, रूफ रेल्स भी हमें देखने को मिलती हैं, आगे भाई बात करेंगे पीछे जब जाएंगे। साइड में देखें तो भाई क्लैडिंग है अपनी, यहाँ से चलती हुई है और पूरी आगे तक जाती है। ये क्रोम वगैरह और ये स्किड प्लेट यार भाई ने ना एक्सेसरी पार्ट ऑफ एक्सेसरी लगवाई थी एजेंसी से ही, जहाँ से डीलरशिप से इन्होंने गाड़ी खरीदी थी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। चलते हैं फटाफट से पीछे की तरफ, पीछे की अगर लुक देख लेते हैं तो भाई ऐसी कुछ मिल जाती है। इधर की तरफ अगर देखते हैं तो भाई हमें प्रॉपर एक देखने को मिलता है स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलती है, यहाँ पे देख लेते तो वॉशर का ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर की बात करें तो भाई शार्क फिन एंटीना और दोनों तरफ हमें मिलते हैं रूफ रेल्स। पीछे देख लें तो भाई डीफॉगर और वाइपर के साथ ये आती है। चलते हैं अगर पीछे की तरफ, तो भाई ये अपनी हमने इसकी ना ऑन करी हुई है, तो DRL आगे की जली हुई है, इसकी वजह से भाई पीछे देखो ऑलवेज ऑन वाली भाई मोड में जब ये रहती है तो कितनी मज़ेदार यार लगती है। लुक देखो यार कैसी देती है, मतलब पूरी रेड कलर की ना स्ट्रिप ऐसे चलती हुई जाती है, तो बड़ी प्यारी यार ये लुक लगती है। ब्लैक से भाई ऊपर हमें ट्रीटमेंट मिलता है, ब्लैक कलर का पियानो ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट है। अंदर भाई ऐसी कुछ टेल लाइट है। रिवर्स लैंप की अगर बात करें तो यहाँ पे मिल जाती है, और भाई अपने को इंडिकेटर इधर देखने को मिलता है। स्मार्ट हाइब्रिड की यार टेक्नोलॉजी इसमें आती है, AMT वाला भाई ये वेरिएंट है, अभी अंदर जाके हर चीज़ में बताऊँगा। देखते हैं अगर नीचे, तो भाई ये भी भाई ने आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर लगवाया है, और भाई स्किड प्लेट यहाँ पे लगवाई हुई है भाई ने। इधर भी अगर देख लें तो भाई हमें मिल जाता है कैमरा, सेम कैमरा भाई इस तरफ के ORVM के नीचे भी मिलता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया
360 डिग्री कैमरा के साथ भाई ये गाड़ी आती है। भाई बात कर लेते हैं अगर ग्राउंड क्लियरेंस की, तो भाई 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हमें ऑफर कर देती है। फटाफट से चलते हैं भाई अंदर, अंदर जाके बाकी की बातें करते हैं। खोल लेते हैं अगर भाई इसका गेट, तो यार गेट खोलती मिलती है ऐसा कुछ गेट। अब यार भाई ने ना काफ़ी सारे काम इसमें आफ्टर मार्केट कराए हुए हैं, ये जो ब्राउन कलर का लेदर पूरा करवाया हुआ है, या फिर अगर हम देखें इस पैनल पर तो यार ये भी ब्राउन कराया हुआ है, अंदर से भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स भाई ने ब्राउन करवाए हुए हैं। देखते हैं अगर भाई यहाँ की तरफ ऐसा कुछ भाई हमें डोर ट्रिम मिलता है, यहाँ पे ब्लैक कलर का भाई मिल जाता है, सिल्वर कलर का क्रोम में अपने को हैंडल देखने को मिलता है। आ जाते हैं भाई इस तरफ, तो बॉटल होल्डर स्पेस है और भाई थोड़ा सा और स्पेस है। ये भी यार भाई ने कंपनी से ही एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी लिया था। अब ये क्या है भाई, ये नीचे ना मारुति रिफ्लेक्ट करता है रात के टाइम पे, और एज अ टॉर्च भी काम कर देता है अगर आपको कभी कभी चाहिए होता है तो। चलते हैं अगर भाई अंदर की तरफ, यहाँ पे देखते हैं तो भाई स्कफ प्लेट सॉर्ट ऑफ यहाँ पे भाई लगी हुई है ब्रेजा की, लाइट भाई इसमें वाइट कलर की ऑलरेडी जल रही है। देखते हैं इधर, तो कोई भी ऑटोमेटिक भाई इसमें या इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन भाई हाइट एडजस्ट के फीचर के साथ ही आ जाती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। देखते हैं भाई यहाँ पे, चलते हैं भाई फटाफट से अंदर, वरना यार ये ऐसी शोर करती रहेगी। अंदर चलते हैं, गाड़ी कर लेते हैं एक बार स्टार्ट, फिर आपसे बाकी की बातें करते हैं। गाड़ी कर लिए भाई हमने स्टार्ट, जैसा मैंने बताया ZXi प्लस भाई ये वेरिएंट है। गाड़ी स्टार्ट होते ही यार ऐसा कुछ इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर लगता है। आगे की तरफ देख लेते तो हेड्सअप डिस्प्ले हमें मिल जाती है, ये भाई काफ़ी हेल्प कर देती है जब हम हाईवेज पे होते हैं, हाई स्पीड पे होते हैं। हमें नहीं चाहिए भाई कि आगे से हम अपनी आंखें हटा के नीचे देखें, तो यहीं पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि गाड़ी कौन से गियर में चल रही है, क्या हमारी स्पीड है, या फिर किस रेव रेंज में हम चल रहे हैं। आ जाते हैं इस तरफ, तो भाई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। HUD यानी कि भाई हेड्सअप डिस्प्ले का कंट्रोल हमें यहाँ मिल जाता है, जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये गाड़ी अंदर चली जाएगी। इधर देख लेते हैं तो इसकी ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखते हैं तो भाई इसके जो भी अंदर हमें डिस्प्ले हो रही है, जैसे कि स्पीड है या फिर रेव मीटर है, उसको भाई ऊपर नीचे करने का ऑप्शन है। ट्रैक्शन का बटन है, 360 डिग्री व्यू कैमरा है इस गाड़ी में, जैसा मैंने बताया जैसे हम इसको दबाएंगे तो भाई 360 डिग्री एक बारी व्यू हमें गाड़ी दे देती है। आ जाते हैं वापस से इस तरफ, तो ऑटो ऑन ऑफ के फीचर के साथ हर मारुति की कार की तरह हेडलाइट लेवलर हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। डोर ट्रिम की अगर बात करते हैं, तो जैसा मैंने बताया था भाई, भाई ने बाहर से यार इसमें काम करवा रखे हैं, ये ब्राउन लेदर रैप यार भाई ने सारा ही बाहर से करवाया था, उनको यार स्टॉक चीज जो आई थी कंपनी से वो पसंद नहीं थी, इसलिए यार ये लेदर हो गया। ये पियानो ब्लैक फिनिश के ऊपर जो हमें ये एम्बिएंट लाइट दिख रही है, जो कि यहां से शुरू होती है और चलती हुई पूरी उस डोर में मर्ज हो जाती है, सारे भाई आफ्टर मार्केट काम है। आ जाते हैं भाई अगर इस तरफ, तो ऐसी कुछ हमें इसकी 9 inch की टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आती है, नई वाली डिस्प्ले है भाई ये। अभी भी मारुति कुछ कार्स में पुरानी वाली डिस्प्ले चलती आ रही है जो 2019-2020 में आती थी, लेकिन ब्रेजा में इन्होंने नई वाली अपडेट कर दी है। इस तरफ अगर भाई आ जाते हैं और बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, तो ऐसा कुछ मिल जाता है। अगेन भाई इस पर भी काफ़ी सारे चीज़ें कराई हुई हैं। इस तरफ देखते हैं तो सारे हमें इंफोटेनमेंट का कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे देखते हैं क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। देखते हैं अगर इस तरफ, तो भाई अपने मीडिया के कंट्रोल्स हैं। आ जाते हैं अगर भाई राइट साइड पे, तो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं अपने हेडलैम्प के कंट्रोल, जो कि भाई ऑटोमेटिक है क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है। आ जाते हैं इस तरफ, तो भाई यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाते हैं अपने वाइपर के कंट्रोल। चलते हैं भाई बीच में सेंटर कंसोल की तरफ, तो यहाँ पे ऐसे कुछ एसी वेंट्स मिलते हैं, हजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है। नीचे अगर देख लेते हैं तो भाई मारुति की अपनी जो टिपिकल यूनिट आती है भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की, वो मिल जाती है। आते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो भाई वायरलेस चार्जिंग पैड हमें देखने को मिल जाता है, जैसा मैंने बताया था भाई AMT गियर बॉक्स के साथ ही आती है, तो ऐसा कुछ इसका गियर लीवर मिलता है। आ जाते हैं भाई थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा खाली स्पेस है, अपने को हैंड ब्रेक मिल जाती है क्रोम टिप के साथ। देखते हैं इस तरफ, तो ऐसा कुछ भाई हमें हैंडरेस्ट इसका आर्मरेस्ट मिल जाता है। देखते हैं अगर अंदर की तरफ, तो इतनी कुछ स्टोरेज मिलती है और भाई ये प्रॉपर स्लाइडेबल है, इसमें कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। आगे चलते हैं और पूरे अगर ओवरऑल डैशबोर्ड की लुक की बात करते हैं, तो ऐसा कुछ लगता है। खोल लेते हैं अगर भाई इसका डैशबोर्ड और देखते हैं अंदर स्टोरेज कितनी है, तो इतनी कुछ स्टोरेज है भाई, डिसेंट स्टोरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, नॉर्मल अपनी मारुति की बाकी गाड़ियों की तरह ये है। बीच में अगर देखते हैं तो भाई यहाँ पे हमें मिल जाते हैं सारी कंट्रोल्स अपने लाइट वगैरह के। इस गाड़ी में भाई हमें सनरूफ भी देखने को मिल जाती है, ये मैनुअली खोल बंद भी कर सकते हैं। और भाई अगर पूरी सनरूफ खोल के दिखाऊं, तो यहां पे हमें बटन मिल जाता है, जैसी बटन दबाएंगे देखो भाई अपनी इतनी कुछ सनरूफ खुल जाती है भाई। एक बार अगर और दबा के देखें, तो इतनी कुछ भाई इसकी सनरूफ चली जाती है भाई। इस वाली गाड़ी की ना यार अपनी पूरी सनरूफ पीछे चली जाती है, बाकी हम गाड़ियों में देखते हैं थोड़ी सी रह जाती है, चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो, इसमें भाई पूरी चली जाती है। नई वाली भाई जो ग्रैंड विटारा आई है, उसमें तो काफी बड़ी सनरूफ दे दिया और वो भी भाई बहुत पीछे तक चली जाती है। आ जाते हैं भाई यहाँ पे, तो IRVM हमें कुछ देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिलता है, कोई भी मैनुअल ये नहीं मिलता है। इधर अगर वाइजर पे देखते हैं, तो टिकट होल्डर के साथ आ जाता है। इस वाइजर पे अगर भाई देख लेते हैं, तो अपने को वैनिटी मिल जाती है, प्रॉपर कवर के साथ है। और भाई ऊपर हमें यहाँ देखने को लाइट भी मिल जाती है, जो कि ऑटोमेटिक नहीं है, बट यार लाइट तो जरूर दी हुई है मारुति ने।
ओवरऑल भाई आगे से ये ऐसी कुछ फील होती है। 5'9" की भाई मेरी हाइट है, आगे की ड्राइवर सीट में अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूँ। पीछे चलते हैं, पीछे का स्पेस दिखाता हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। खोल लेते हैं अगर भाई इसका पीछे का गेट, तो ऐसा कुछ यार इसका डोर ट्रिम मिल जाता है जैसा मैंने बताया भाई। अगेन ये भी भाई ने बाहर से ही अपना काम करवा रखा है। देखते हैं, इस तरफ तो बॉटल होल्डर मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, और भाई ये वाली लाइट बाय डिफॉल्ट कंपनी से आ जाती है। देखते हैं अगर नीचे की तरफ, तो भाई स्पीकर ग्रिल हमें मिल जाती है। अंदर बैठते हैं भाई गाड़ी के, तो इतना कुछ यार स्पेस मिल जाता है, इतना यार स्पेस है। आगे की सीट 5'9" के आदमी के हिसाब से एडजस्ट की गई है। देखो यार अंदर से ऐसी कुछ लगती है जो बंदा पीछे बैठता है उसको, और ऐसी कुछ उसको लुक आती है। सनरूफ भाई फिलहाल मैंने सिर्फ सनशेड खोला हुआ है, सनरूफ नहीं खोली हुई, तो पीछे से यार एयरीनेस तो जरूरी है, बना देती। देखते हैं अगर यहाँ की तरफ, तो भाई बीच में हमें मिल जाता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे देखते हैं तो भाई हमें एसी के वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे देखते हैं तो भाई हमें दो भाई चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, एक ए टाइप है एक सी टाइप है। तो भाई ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि यार आजकल कोई कोई कंपनीज हमें पता है ए टाइप दे रही है, कोई सी टाइप दे रही है, तो मारुति ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि भाई परेशान गाड़ी में कोई भी ना हो। हेडरेस्ट की बात करते हैं तो भाई काफ़ी बड़ा यार, बड़ा ऊंचा ऊंचा सा इसका हेडरेस्ट मिलता है। आगे के दो हमें भाई एडजस्टेबल मिलते हैं, पीछे अगर देखते हैं तो भाई दोनों ही हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। देखते हैं बीच की तरफ, तो भाई इतना कुछ चौड़ा हमें इसका आर्मरेस्ट मिलता है ट्विन कप होल्डर्स के साथ। पीछे की तरफ अगर देखें तो भाई पार्सल ट्रे ऑब्वियसली इसमें मिलती है, क्वार्टर ग्लास पैनल मिलता है, और भाई अंदर से ऐसी कुछ ये गाड़ी फील होती है। फटाफट से चलते हैं भाई बूट में, बाकी बातें बूट में जाके करते हैं। पीछे से भाई ऐसी कुछ इसकी लुक आ जाती है। खोल लेते हैं अगर यार इसका बूट फटाफट से, तो ऐसा कुछ यार इसका बूट स्पेस मिल जाता है, 328 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। इतना यार इसमें सामान भी पड़ा है, उसके बाद भी देखो अच्छा खासा बूट स्पेस अभी है, तो मोर देन सफिशिएंट है भाई। इस साइज की गाड़ी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। एक चीज और भाई, जैसी पीछे से देखा 60-40 स्प्लिट के साथ हमें इसकी सीट देखने को मिल जाती है भाई। पार्सल ट्रे के साथ जैसा आती है मैंने बताया ही था आपको। कर देते हैं भाई इसको बंद, बोलते हैं भाई इसका इंजन में, बाकी बातें आगे जाके करते हैं। खोल लेते हैं अगर भाई इसका इंजन में, तो यार इसका ये जो बोनेट है ये मारुति की और गाड़ियों से थोड़ा सा हैवी फील होता है। इधर देखे तो भाई इंसुलेशन मिलती है, हालांकि भाई जो मारुति के इंजन है ना पहले बहुत शांत है, उसके बाद ही भाई यहाँ पे इंसुलेशन देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। देखते हैं अगर भाई इंजन में, तो यार ऐसा कुछ मिल जाता है। 1462 cc का भाई ये इंजन है, लगभग भाई 101 bhp और 136 nm का भाई ये टॉर्क दे देता है। देखते हैं अगर ABS EBD की यूनिट की तरफ, तो भाई यहाँ लगी मिल जाती है। वॉशर फ्लूइड डालने के ऑप्शन की बात करें तो भाई आगे ही हमें लेफ्ट साइड में मिलता है। वापस से अगर भाई देख लेते हैं इंजन की तरफ, तो यार ऐसा कुछ लगता है ये 1500 cc का, 1500 cc नहीं भाई 1462 cc का 1.5 लीटर का इंजन। कर देते हैं भाई इंजन बे को बंद। ये गाड़ी भाई अपने भाई को पड़ी थी 16,30,000 रुपए की ऑन रोड। मुझे पता है यार इतनी महंगी आती नहीं है, लेकिन भाई इसमें ना भाई ने मारुति सही इसके डीलरशिप सही थोड़ी थोड़ी एक्सेसरीज लगवा ली थी, बाहर की स्किड प्लेट वगैरह हो गई, अंदर भी छोटे मोटे काम उन्होंने करा लिए थे, इसलिए भाई ऑन रोड उनको कॉस्ट करी थी 16,30,000 रुपए। ये थी भाई पूरी अपनी गाड़ी मारुति ब्रेजा 2022 वाली ZX i+ AMT वाला वेरियंट। यहाँ तक आए हो, यहाँ तक वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच भाइयों। ऐसी आते रहना, ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, और भाई इसकी अभी एक ड्राइव इंप्रेशन की वीडियो भी आने वाली है, वो भी बिल्कुल भाई देखना। थैंक यू भाइयों, बाय बाय।